खवातीन हजरात तशरीफ लाती हैं मरीना खान। कहाँ हैं आजकल? मैं लंदन में हूँ जी। इंग्लैंड? इंग्लैंड लंदन। सिक्स मंथ्स देयर सिक्स मंथ्स हियर? नो मोर हियर देन देयर। ओह थोड़ा इधर एंड लिटिल देयर। लिटिल देयर एंड लिटिल इधर। ओह आई गॉट यू टू मंथ्स हिधर एंड थ्री मंथ्स उधर। अच्छा क्या कर रही हैं लंदन में आप? मैं जी इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हूँ। तो किसका घर संवारने का इरादा है? बहुत सारे लोगों का। अच्छा तो ये कितने अरसे का कोर्स है ये? मैं जो कर रही हूँ जी 2 साल का है, लेकिन आप इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, एमए भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसा है जी, स्पेशलाइज फील्ड है। कहीं ऐसा तो नहीं है 5,000 गज की कोठी है तो 5 साल का कोर्स है, 1,000 गज की कोठी है तो 1 साल का कोर्स है? नहीं, और क्वार्टर हो तो यूं गए और वापस आ गए? नहीं जी। नहीं, कितने ड्रामों में काम किया? मैंने 4। क्यों इतने कम? क्यों इतने कम ही मिले अभी करने को? नहीं, टेलीविजन पे तो लोग आपको बहुत देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन आप आती हैं एक सीरियल करती हैं एंड 6 मंथ्स हुदर। नहीं जी, आई मीन ऑफर इतनी आई है और इतने की है। अच्छा मरीना ये बताइए, आप कोई रोल करने से पहले क्या आप उसको पढ़ती हैं, उस कहानी को समझती हैं, उस किरदार को समझती हैं, या आपको किसी ने बुलाया कि जी आपने एक रोल करना है ड्रामे में और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया? आई थिंक कोई फनकार ऐसा नहीं करता कि आप आएं और आपको स्क्रिप्ट दिया जाए और दे एक्सेप्टेड। सारे ही पढ़ते हैं, देखना होता है कि आप उस रोल के लायक हैं, कर सकते हैं, आप परफॉर्म अकॉर्डिंग टू व्हाट द राइटर हैज रिटन, आप उस तरह परफॉर्मेंस दे सकते हैं, तो सोच समझ के इंसान एक्सेप्ट करते हैं। नहीं तो ये क्या बात हुई, ये तो फिर टाइप हो गया ना कि आप ये देखें कि आप ये रोल कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। आर्टिस्ट तो वो है, उसे कोई भी रोल दिया जाए उसे चाहिए कि वो करे, लेकिन आर्टिस्ट को चॉइस भी है। आप पर कुछ इल्जामात हैं जो मैं अखबारों के तराशों में पढ़ता रहा हूं, वो मैं आपसे अगर इजाजत दे तो पूछ लेता हूं। पूछ ले। नंबर 1, आप हंसती बहुत हैं खिलखिला के। हंसती हैं आप जी? क्यों? क्यों नहीं, मर्जी है आपकी। नंबर दूसरा ये है, एक अखबार में मैंने पढ़ा था मरीना मेक फेसेस, यूं कर लेती हैं कभी, यूं कर देती हैं कभी, ये क्यों करती हैं? मुझे क्या पता, मैं वैसे भी फेसेस बनाती हूँ इन माय नॉर्मल लाइफ आल्सो। कैसे? जैसे ऐसे या ऐसे या मैं क्या सारे ही बताऊँ आपको। और आई थिंक कैरेक्टर का तन्हाइयों की आप बात कर रहे हैं जाहिर, तो उसमें कैरेक्टर ही ऐसा था दैट वाज यंग शरारती, और मे बी राइटर ने या प्रोड्यूसर ने देखा कि आई डू हैव फेस एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेसिव फेस है, तो वो यूज़ किया। अच्छा उसमें आपने फेस एक्सप्रेशंस तो यूज़ किए, बहुत अच्छी अदाकारी की। वो एक बंदा था उसमें बड़ा फजूल सा, कबाचा जिसका नाम था। फजूल क्यों? नहीं वो आपने तो थ्रू आउट उसके साथ जो सुलूक किया है, अगर उसकी जगह कोई जरा सा भी अगर इज्जतदार आदमी होता तो कूद गया होता किसी बिल्डिंग से। धमकियां तो उसने भी दी थी। मतलब ये उनकी किरदार निगारी की इंतहा थी जी। तो आपको वो उसके साथ कैरेक्टर करने में कैसा लुत्फ रहा? बहुत मजा आया। किसको, उनको या आपको? मुझे। अच्छा, किसी को ऐसे तंग करना आई थिंक रियल लाइफ में मुमकिन नहीं है। नहीं लेकिन लोग तो मौका निकाल ही लेते हैं रियल लाइफ में भी एक दूसरे को छेड़ने। बहुत कम, इतना नहीं, जरा ज्यादा। अच्छा आइए वापस इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ जी। आप किसी के घर में जाती होंगी तो वहां तो आप बर्बादी फैला देती होंगी कि टेबल इधर से हटा के उधर रखो, कुर्सी को उधर रखो, वॉश को यहाँ रख दो, सेंटर टेबल इधर कर दो। नहीं जी, मुझे वैसे ज्यादा जो इंटरेस्ट रहता है किसी के, मैं घर जाऊं समवन न्यू, पहली दफा मैं गई हूँ, ज्यादा मुझे इंटरेस्ट रहता है बाथरूम्स और किचन्स में। बाथरूम और किचन्स में जी। अच्छा तो उनके I might specialize in that field। अच्छा तो अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप वो मेजबान को कह देती हैं मुंह पे? नहीं, गीबत, पीट पीछे जी, बिल्कुल पीट पीछे कहती है हाय उनका तो बाथरूम ऐसा था और उनका तो किचन ऐसा था, आई विल नेवर स्टेप इन दैट हाउस अगेन।
गया।